अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ, जो मैंने यूरोप से जो ले के आए थे अदरक, उन्होंने मुझे 3 पीस दिए थे बाजी ने, तो वो 3 पीस ही मैंने लगाए थे। आप मेरे चैनल विज़िट कर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, मैंने जिस तरीके से इनको लगाया था मुकम्मल डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आपको बताऊं, कोई भी काम होता है तो वो अचानक नहीं होता, बिल्कुल उस पर कुछ इस तरीके के सीड होते हैं, सीडों पर कुछ टाइम लग जाता है, कुछ कलमों पे टाइम लग जाता है। जैसे लोग रिंग लगाते हैं, ग्रफ्ट करते हैं, कोई भी चीज़ है उस पर वक्त टाइम लगता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि चंद ही दिनों के अंदर वो हो जाए। कुछ इस तरीके के सीड वगैरह होते हैं जो 2 से 3 दिन के बाद भी ग्रोथ हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके से हर सीड जो है उसकी एक लिमिट होती है, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो कितने दिन के बाद निकलेंगे, कितना उस पर वक्त टाइम ले जाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो ये अदरक था जो मैंने जिसकी मैंने ये अदरक लगाई थी यूरोप वाली, आज इसकी तकरीबन 1 महीने से ऊपर इसका टाइम हो चुका है, तो अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ये मैंने प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर लगाई थी। तो आपको मज़ीद अब इसकी मैंने अपडेट दी है, ये 2 पार्ट है और इसका मुकम्मल जो है वो आगे आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा और कितनी इसे अदरक निकली है। तो ये चीज़ है कि अभी ये देख लें, जब इस तरीके की इसकी कंडीशन आ जाए, अगर आपने भी लगाई हुई है तो ये अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक है। ये थोड़ा सा 1.5 इंच जो मैंने जिस तरीके से मैंने लगाई थी, ये अच्छी तरह से देख लें, इसको थोड़ा सा बाई रखना होता है, बिल्कुल ज़मीन के अंदर घुसेर कर नहीं लगाना होता। ये भी चेक कर लें अच्छी तरह से, इसकी भी कंडीशन यही है, ये आपको जो नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये 3 पीस मैंने लगाए थे, 3 के 3 पीस ही ये ग्रोथ हो गया, इसके अंदर एक भी पीस जो है वो डले नहीं हुआ, जिस तरीके से मैंने ये मटीरियल को मैंने तैयार किया था। अब इसकी कंडीशन ये आ गई है कि अब आप इसको ये इसके अंदर थोड़ा सा जो जंगली घास वगैरह निकला है इसको निकालना है। तो निकालने के बाद आपने थोड़ी सी इसकी जो है ना ये खुदाई करनी है, ये खुदाई हल्की हल्की सी आपने रंबे के साथ नहीं, किसी छुरी वगैरह के साथ आपने हल्की हल्की सी इसकी खुदाई कर लेनी है इस जैसी, ठीक है। खुदाई करने के बाद ऐसे ऐसे आप जब इसकी खुदाई कर लेंगे तो फिर आपने इसको 2 दिन का वक्फ़ा देना है। 2 दिन वक्फ़ा देने के बाद फिर आपने इसके ऊपर जो मटेरियल है, एक हिस्सा मिट्टी होना चाहिए और 2 हिस्से जो है वो 2 हिस्से क्या नाम है उसका, बालू डीकम्पोज गोबर खाद, ठीक है। 2 हिस्से बालू मिट्टी, 1 हिस्सा जो है डीकम्पोज गोबर खाद, उसके अलावा इसके अंदर 1 हिस्सा जो है वो रेत का, यानी कि 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, 2 हिस्सा बालू मिट्टी, 1 हिस्सा डीकम्पोज गोबर खाद और 1 हिस्सा इसके अंदर रेत डालनी है। मिक्स करके ये वेट आपका जितनी आपने जगह छोड़ी हुई है, किसी बड़ी जगह में लगाया उसके मुताबिक आपने मटेरियल बनाना है। ये मेरे प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर है, इसके तकरीबन इसका 2 किलो या 1.5 किलो इसका वेट मिट्टी का बनेगा जो मैं इसको डालूँगा। लेकिन खुदाई करने के बाद आपने ये वाला जो पाउडर का मैं जिक्र करता रहता हूँ, ये पाउडर आपने थोड़ा सा 1-2 चुटकियाँ जो आपने डालना है, अगर आपके पास भी ये है तो ठीक है, ये अच्छी तरह से चेक कर ले। इस पाउडर की खूबी ये है कि चाहे फ्रूट वाला पौधा हो, चाहे फूलों वाला हो, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, जिसकी मिट्टी डेड हो चुकी है या जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, उस ग्रोथ को मिट्टी को ठीक करेगा, उसको उसकी ग्रोथ को स्टार्ट करेगा। उसके अलावा जो कि अगर वो फल वाला है, उसका फल का साइज़ छोटा है तो वो फल को मज़ीद बढ़ाएगा, फल का साइज़ भी मोटाई में आएगा, उसके अलावा उसके अंदर जायका भी अच्छा आएगा। इसके अलावा जो नीचे फल गिर जाता है उसे भी गुरेज ये करवाएगा। हमारे काफ़ी भाइयों के कमेंट होते हैं, जैसे कि एक मेरे भाई हैं, उनका जापानी फल का भी पौधा था, तो वो इसी तरीके से उनके भी वो गिर जाते थे, उनके ऊपर भी मैं मज़ीद दोबारा भी रिपीट करके प्रोग्राम करूँगा ताकि उसको भी अच्छी सी समझ आ जाए। ये आपने डाल देनी है, 1-2 चुटकी ये डालनी है खुदाई करने के बाद ऐसे, ठीक है। तो हल्की हल्की सी जब आपने खुदाई कर लेनी है इसको आपने डाल देना है, डालने के बाद हल्की सी आपने इसको वाटरिंग कर देनी है, 2 दिन आपने इसको वक्फ़ा देना है, 3रे दिन के बाद वो मटेरियल जो मैंने आपको बताया वो मटेरियल डाल देना, ताकि ये वाली जो जगह है हल्की सी इसकी ये छुप जाए,
उस मटेरियल डालने की वजह ये होगी कि ये वाला अगर एरिया छुप जाता है तो ये मज़ीद जो इसके ये स्लाइस निकल रहे हैं ये और ज़्यादा भी निकलेंगे। उसके अलावा अगर इसके नीचे अगर अदरक पीस बनते हैं तो वो दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होंगे, तो वो उसके अंदर फ़ायदा ज़्यादा होगा आपका। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।